हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आपके लेके आया हूं मैं महिंद्रा का ई रिक्शा। इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं गाइस। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सर आइए। तो सर हमें बताइए इसकी फ्रंट लुक के बारे में। ये महिंद्रा ट्रियो आ रही है, ठीक है, जो कि ई रिक्शा कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो महिंद्रा ट्रियो यारी जो है वो महिंद्रा का ईवी सेगमेंट में रिक्शा कैटेगरी में ये गाड़ी आती है, ठीक है। इसकी जो रेंज है महिंद्रा की वो 85 किलोमीटर की रहेगी, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट में चार्ज होती है गाड़ी, ठीक है। बाकी आप देखोगे गाड़ी, बाकी आप अगर देखोगे इसकी डिस्प्ले, ठीक है, तो डिस्प्ले पे इसमें सारा मेंशन हो जाएगा कितने किलोमीटर गाड़ी चलनी है, ठीक है। स्लॉट दिखा देगा वो, ताकि ईजीली कस्टमर जो ड्राइवर है अपने घर तक ईजीली पहुँच जाए और चार्ज कर ले। बाकी आपको हाई बीम लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है रात को ड्राइव करते हैं जैसे आप। तो बाकी वाइपर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पार्किंग इंडिकेटर मिल जाएंगे, सेम हुई फ्रंट न्यूट्रल और रियर, ठीक है। बूस्ट इको मोड मिल जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। बैक साइड में जैसे रिक्शा बेस्ड है, यहाँ पे चार सवारियाँ पास है, आमने सामने दो, बाकी फ्रंट पे ड्राइवर है, ठीक है। फ्रंट में ड्राइवर, स्पेयर व्हील देखोगे तो स्पेयर व्हील पीछे आ जाएगा इसके बैक साइड में, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर। बाकी सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे लॉक है, ठीक है, तो वहाँ से लॉक ही रहेगा, खुलेगा। काफ़ी लेग स्पेस में है ना, बिल्कुल ईजीली, मतलब आराम से आप बैठ के जा सकते हैं इसमें। बाकी चार्जिंग स्लॉट यहीं पर रहेगा इसका। ओके, बैटरी कौन सी सर? ये लिथियम आयन बेस्ड बैटरी आती है सर। नहीं मतलब स्वैपेबल वाली है या नहीं, दूसरी नहीं, है? नहीं, फिक्स बैटरी है सर इसमें। फिक्स बैटरी है, हाँ जी, मतलब घर पे चार्ज इजीली करते हैं, घर पे चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग टाइम क्या रहेगा इसका? 2 घंटे 30 मिनट का चार्जिंग टाइम रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट का, हाँ जी। ओके, और इसकी सर टॉप स्पीड क्या रहेगी? इसकी टॉप स्पीड रहती है 27 तक की रहती है सर। 27 तक की, हाँ जी, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इतनी ई रिक्शा कैटेगरी में जो आते हैं कितनी स्पीड रहती है। और एक बारी चार्ज करने में कितनी रेंज मिलती है? ये 85 किलोमीटर चलती है सिंगल चार्ज में। सिंगल चार्ज, हाँ जी, ठीक है सर। और इसकी जो डाउन पेमेंट है वो कितनी रहेगी? 35,000 की रहेगी सर इसकी डाउन पेमेंट। 35,000 की, हाँ, हर बंदे के लिए या किसके लिए, मतलब कैसे? ये नॉर्मल हमने डाउन पेमेंट इतनी, लोएस्ट डाउन पेमेंट इतनी रखी हुई है, बाकी आपकी मर्जी है आप कितना दे सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है ना। हाँ जी सर, और ये तो अपने स्ट्रॉन्ग DNA के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो ये है सर। ओके, बाकी इसमें भी दो मॉडल आते हैं, ये सॉफ्ट टॉप आता है महिंद्रा ट्रियो वाली, और एक हार्ड टॉप आता है। हार्ड टॉप आता है, हाँ जी। तो ओवरऑल तो प्रोफाइल तो बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्रंट भी ज़बरदस्त है, और इंटीरियर तो बहुत ही अच्छा है यार, अब देखो तो। और सेम उसमें वही चार्जिंग स्लॉट मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग स्लॉट, चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। सेम उसमें उस साइड आपका ग्लोव बॉक्स आ जाएगा, इंटीरियर के अंदर आ जाएंगे फीचर्स, ठीक है, ठीक है। तो सर जो इसके राइवल्स रहने वाले हैं ये उनसे बेटर क्यों है? बेटर इसलिए है क्योंकि इसमें देखो आप, एक तो सेफ्टी पर्पस से आप देखोगे वो उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, उसमें ऐसे सेफ्टी फीचर दिए होते हैं, ठीक है। बाकी मेन रहती है इसकी बैटरी की वारंटी और लाइफ, जो कि अदर कंपटीशन में कोई नहीं देता, नहीं देता। 3 साल की भी जो वारंटी है बैटरी की वो रहेगी, और 5 साल की लाइफ है, ठीक है। तो मतलब दूसरी जो अदर बैटरीज है उनमें आपको पानी वगैरह भी डालना पड़ता है, ड्राई बैटरी होती है, अपने चार्ज किया और ईजिली आप चला सकते हैं इसको। ओके, हाँ। और सर इसकी सर्विस वगैरह बता दो। और ये सर्विस करानी हो तो पहली बार तो सर्विस डीलरशिप में होती है, डीलरशिप के अंदर ही, हाँ जी। तो भाई जैसे महिंद्रा है तो महिंद्रा काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है और काफ़ी पावरफुल बिल्ड क्वालिटी है, तो महिंद्रा ट्रस्ट के लिए जाना जाता है। और महिंद्रा आप देखते हो बहुत सारी गाड़ियाँ भी आती रहती है, तो इनका जो ऑटो है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देखते हो। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो भाई आपको ट्रियो यारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।